नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल डिजिटल खेती में। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे DCH कपास के बारे में। वैसे तो ये देश के बहुत ही कम जगहों पर लगाई जाती है, टोटल कपास का लगभग 10% के आसपास लगाई जाती है। इसकी हम विभिन्न उन्नत किस्मों के बारे में और इनको बेचने वाली जो अच्छी कंपनियाँ हैं, ब्रांडेड कंपनियाँ, उनके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। जो DCH कपास रहती है उसके रेशे की लंबाई थोड़ी ज़्यादा रहती है MCH की तुलना में, और दूसरा इसका जो रेशे का कलर है वो थोड़ा कम सफ़ेद रहता है, थोड़ा भूरे कलर का रहता है। और इसका जो भाव रहता है वो बाज़ार में ज़्यादा भाव रहता है। तो जिन एरियाओं में DCH कपास लगाई जाती है वो किसान भाई इन कंपनियों की ये किस्में खरीद सकते हैं। और भी किस्में आती हैं इन कंपनियों की, तो वो भी वो खरीद सकते हैं और उनको लगा सकते हैं। अगर वो अच्छी कंपनी का कपास खरीदेंगे तो उनका उत्पादन भी बहुत अच्छा आएगा। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके बगल में एक घंटी का आइकन है, आप उसको भी क्लिक ज़रूर करें। जब हम नई वीडियो डालेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन आएगी। और आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को शेयर व लाइक भी करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं निजी वीडू के कपास के बारे में। ये भी कपास का बीज बेचने वाली बहुत ही अच्छी कंपनी है और उसका जो बीज आता है वो एक्सल कोट के नाम से आता है। इसकी अन्य वेराइटियाँ भी आती हैं, तो इस कंपनी का भी बीज अगर आप ख़रीदते हैं तो वो बहुत अच्छा उत्पादन देगा। ये यहाँ पे बीज के बारे में डिटेल दी हुई रहती है। इसमें दो तरह के पैकेट आते हैं, एक तो 450 ग्राम का BT कपास रहता है और एक 120 ग्राम का छोटा पैकेट रहता है। वो BT नहीं रहता है, लेकिन वो भी हाइब्रिड कपास रहती है जो मेन कपास के चारों तरफ लगाई जाती है। यहाँ पर ये सीड के बारे में डिटेल है, बीज के बारे में कि जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होना चाहिए, फिजिकल प्योरिटी यानी कि भौतिक शुद्धता कितनी होनी चाहिए। और ये नीचे आप देख रहे हैं, ये जो 120 ग्राम रहता है उसकी के बारे में लिखा हुआ है। ये निजी वीडू कंपनी का एड्रेस है, ये तेलंगाना की कंपनी है। और यहाँ पे नीचे कस्टमर केयर नंबर लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये कब तक ये सीड वैलिड है इसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। तो इस तरह से बीज पे जानकारी लिखी हुई रहती है। दूसरा हम बात करें अन्य कंपनी की, तो राशि सीड है, इसका बॉम्बाक नाम से आता है। ये भी DCH कपास है जो लंबे रेशे की कपास रहती है। किसान भाई इस कंपनी की भी कपास लगा सकते हैं, इसके भी बीज अच्छी किस्म के आते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें कौन कौन से जीन पाए जाते हैं, जो हम BT2 बात करते हैं कीड़ों के नियंत्रण करने के लिए। तो CRY1AC और CRY2AB, ये दो प्रकार के जीन होते हैं और एक और रहता है MON करके। ये बीज का डिटेल है, जैसे आपने पहले पहले पैकेट में देखा था, जर्मिनेशन परसेंटेज, भौतिक शुद्धता, आनुवांशिक शुद्धता, उसके बारे में जानकारी लिखी हुई है। और ये यहाँ पे इसका बीज का रेट लिखा हुआ है और जो जानने जानकारी रहती है, डेट ऑफ टेस्ट या डेट ऑफ पैकिंग, उसके बारे में लिखा हुआ है। और अगर आपको कोई कंप्लेंट वगैरह करनी है तो उसके लिए यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, अन्य कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं। ये दोस्तों पुली के नाम से आता है, बायोसीड कंपनी का है। बायोसीड कंपनी भी बहुत अच्छी है बीजों में, इनके बहुत सारे बीज आते हैं सब्जियों में और फील्ड क्रॉप में, मक्का, कपास आदि, ज्वार। तो ये वाला कपास भी आप लगा सकते हैं। ये यहाँ पे आपको दिखाया गया है रेशे की लंबाई कितनी रहती है, और वही अन्य की तरह इसमें बीज की डिटेल रहती है, पैकिंग कौन सी तारीख को किया गया है, उसका अंकुरण प्रतिशत कितना है, बीज को कौन कौन से केमिकल से उपचार किया गया है,
ये सब के बारे में जानकारी लिखी रहती है बीज के पैकेट के ऊपर। ये यहाँ पे एक अप्रूवल रहता है GAC का, जो BT कॉटन को अप्रूव करती है किसानों को बेचने के लिए। ये इसके बुआई की डिटेल है कि कितनी दूरी पे कपास लगाना चाहिए, उसमें खाद की मात्रा कितनी डालनी चाहिए, ये सब के बारे में जानकारी लिखी रहती है। कभी कभी ये पैकेट के ऊपर लिखी रहती है और कभी कभी ये पैकेट के अंदर एक लीफलेट रहता है उस पर भी लिखी रहती है, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं उसको कैसे लगाना है। और इसकी अन्य किस्म भी आती हैं बायोसीड कंपनी की, तो जो सी आपको अच्छी लगे ये, लेकिन ये अच्छी कंपनी है बीजों में और अपनी इंडियन कंपनी है, तो किसान भाई चाहें तो इसका भी बीज लगा सकते हैं। ये एक निपिंग का लिखा हुआ है, 70 से 80 दिन के बाद निपिंग की जाती है। और एक ये जो पैकेट रहता है 450 ग्राम का, ये 0.2 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त रहता है, यानी ये 1 हेक्टेयर में लगभग आपको 5 पैकेट की ज़रूरत पड़ती है। ये दोस्तों जेके सीड कंपनी का कपास है, जेके चामुंडी के नाम से आता है, ये भी बहुत पुराना हाइब्रिड है, तो इस कंपनी के कपास को भी किसान भाई लगा सकते हैं, ये भी अच्छी कंपनी है। दूसरा अगर हम बात करें तो ये मैको कंपनी का MRC6918 है। मैको कंपनी भी बहुत बड़ी कंपनी और अच्छी कंपनी है कपास में और सब्जी में, इनके बीज बहुत अच्छे आते हैं। और भी इस कंपनी की वैरायटी आती हैं जिनको किसान लगा सकते हैं। तो ये सब वैरायटियों का नाम मैं आपको बता रहा हूँ और उनकी कंपनियों का नाम भी बता रहा हूँ, इनमें से जो भी आपको उपलब्ध हो या बाज़ार में मिल जाए वो आप लगा सकते हैं। सबसे ज़रूरी ये है कि ब्रांडेड कंपनी का ही बीज लगाना चाहिए, क्योंकि किसान एक बार अगर बुआई करेगा तो उसकी ये फसल लगभग 6 महीने खेत में रहेगी, तो उसको बीज में के बारे में हमेशा जानना चाहिए और अच्छा बीज ही लगाना चाहिए ताकि उपज अच्छी हो। ये बीज के बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है, जर्मिनेशन परसेंट, फिजिकल प्योरिटी, जेनेटिक प्योरिटी, बीज के बारे में। जब भी आप पैकेट खरीदें कपास का तो जानकारी को आप ध्यान से पढ़ें थोड़ा सा, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे और बुरे बीज की पहचान क्या है। और बीज के ऊपर ये डेट ऑफ पैकिंग, उसकी रेट, उसको टेस्ट कब किया गया था और ये बैलेट कौन से महीने तक रहता है, ये सब की जानकारी बीज के पैकेट के ऊपर लिखी रहती है, तो किसान भाइयों को वो जानकारी ज़रूर पढ़नी चाहिए ताकि किसान भाई अच्छे से अच्छा बीज खरीद के लगा सके और अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सके। ये एक और कंपनी आती है US एग्री सीड, जिसका महादेव के नाम से कपास आता है और ये भी BT2 रहता है, यानी कि इसके बॉल और पत्तियों पर कीड़ों का प्रकोप कम होता है। ये यहाँ पे इसकी डिटेल लिखी हुई है बीज के बारे में, पूरी जानकारी 450 ग्राम का जो बीज आता है उसके बारे में और जो नॉन BT हाइब्रिड आता है 120 ग्राम उसके बारे में। यहाँ पे इसका एड्रेस और कस्टमर केयर नंबर है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप कस्टमर केयर नंबर पर बात करके आप पूछ सकते हैं। ये भी बहुत ही बढ़िया कंपनी है US एग्री सीड। अभी हालांकि इसको दूसरी कंपनी ने खरीद लिया है, पर ये अभी इसके बीज US एग्री के नाम से ही आ रहे हैं, तो आप ये कपास भी लगा सकते हैं। इसकी और भी वैरायटी आती हैं। दूसरा है ये बायर का सरपास, ये बायर भी बहुत अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है और पेस्टिसाइड में इनके बहुत अच्छे आते हैं, जो कीड़े मारने की दवाइयाँ आती हैं उनकी ये बहुत अच्छी आती हैं। इनकी और भी कपास आती हैं, कपास की किस्में आती हैं, तो किसान भाई इस कंपनी का भी अगर बीज लगाएंगे तो अच्छा उत्पादन आएगा। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ कुछ चुनिंदा वैरायटियों के बारे में बता रहा हूँ, मेन तो ये कंपनियाँ हैं क्योंकि इनकी और भी किस्में आती हैं DCH में, तो आप इनकी किस्में लगाएंगे तो आपको उत्पादन बहुत बढ़िया मिलेगा
और ये जो मैं किस्में बता रहा हूँ ये भी अच्छी किस्में हैं, तो इनको भी आप लगा सकते हैं। एक और ये किस्म आती है श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल की सिप्रा। श्रीराम फर्टिलाइजर एंड केमिकल भी बहुत बढ़िया कंपनी है, उनके पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर आते हैं यानी कि उर्वरक आते हैं। इस कंपनी की भी जो कपास आती हैं उनको भी आप लगा सकते हैं, उनमें से एक वैरायटी है सिप्रा, इनकी और भी वैरायटी आती हैं। तो इस कंपनी की कपास भी अगर आप लगाते हैं तो अच्छा उत्पादन आएगा और आपको लाभ भी ज़्यादा होगा। तो ये जितनी भी आपको वैरायटियाँ या मैंने कंपनियाँ बताई हैं उनमें से किसी का भी अगर आप कपास लगाते हैं तो आपको ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, और ये सभी ब्रांडेड कंपनियाँ हैं जिनके बीज बाज़ार में आते हैं और अच्छे बीज हैं। पैकेट के ऊपर पूरी जानकारी लिखी रहती है बीज के बारे में, आप किसान भाइयों को वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। दूसरा हम बात करें तो ये SSB 99 है, ये कलश सीड का वैरायटी है, कलश कंपनी का। इस कंपनी के जो सब्जी के बीज आते हैं वो बहुत अच्छे आते हैं, तो इस कंपनी की कपास भी आप लगा सकते हैं, ये भी अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों ये बहुत सारी किस्मों और कंपनियों के बारे में मैंने यहाँ पर जानकारी दी है, तो इन कंपनियों की कोई भी कपास की वैरायटी जो आपके एरिया में चलती हो DCH कपास में या MCH कपास में वो आप लगा सकते हैं, और ये जो किस्में आपको दिखाई हैं उनमें से भी आप ये किस्में लगा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप अच्छी किस्मों का चुनाव करें और अच्छी कंपनी का ही बीज खरीदें। और बीज खरीदते टाइम पैकेट पर जो जानकारी लिखी हुई है कि उसका रेट क्या लिखा हुआ है, उसको कब टेस्ट किया गया था, उसकी पैकिंग किस तारीख को की गई थी, और ये बीज एक्सपायर कब होगा, उसमें जर्मिनेशन परसेंटेज यानी अंकुरण प्रतिशत कितना है, दूसरा उसकी भौतिक शुद्धता कितनी है, अन्य जो फसलें या खरपतवार के बीज रहते हैं उनकी संख्या कितनी रहती है, और इसका जो GEC का BT में जो अप्रूवल आता है वो कौन सी तारीख तक मान्य है, और कस्टमर केयर जो नंबर लिखा रहता है, और कंपनी का नाम भी आपको अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि कपास आप बार बार लगाते हैं तो अगर अच्छी कपास किसी कंपनी की अच्छी कपास आती है तो आप अगली बार उसको लगाएं। और दूसरा एक और ये है कि एक ही कंपनी के कपास के पैकेट ना लगाएं, आप थोड़ा उनमें वेरिएशन रखें, किसी कंपनी के दो पैकेट, किसी कंपनी का एक पैकेट, इस तरह से आप लगाएंगे तो आपको नुकसान होने के चांस कम रहेंगे और आपका उत्पादन भी बहुत बढ़िया आएगा। और जिस कपास के बारे में आपको अच्छी जानकारी हो, जिसको आपने लगा के देख रखा हो या जो उत्पादन अच्छा देती हो, उसको आप ज़्यादा संख्या में लगा सकते हैं, लेकिन उसके साथ आपको अन्य कंपनी की कपास भी लगानी चाहिए, ताकि अगर बीज में कोई दिक्कत हो तो आप पूरे खेत में आपको या पूरे पैकेट में दिक्कत ना हो, इसलिए आपको बीज में थोड़ा अंतर करके लगाना है। तो ये सारी ब्रांडेड कंपनियां हैं, इनमें से किसी भी कंपनी का बीज आप लगा सकते हैं, और भी बहुत सारी कंपनियां आती हैं, लेकिन उनमें ध्यान यही रखना है कि अच्छी कंपनी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप किसी भी कंपनी का बीज लगा दें। तो धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए डिजिटल खेती।